वे लंगड़े तू यहां क्यों आ रहे? अरे अकल के अंधे, टाइगर तेरे सामने खड़ा है, पहचान सके तो पहचान। अरे वाह क्या भेष बदला है आपने, अगर आवाज नहीं सुनी होती तो अभी तक नहीं पहचान पाता है, लेकिन ये भेष बदला क्यों? पुलिस से बचने। टाइगर भाई पुलिस ने पहचान लिया ना तो पुलिस तुम्हारे साथ साथ मेरे को भी थूक लगा के मारेगी। जब तू नहीं पहचान पाया तो और कौन पहचानेगा मुझे? वैसे मैंने सुना है कि खालिद चूहे की गुंडागर्दी के खिलाफ औरतें मोर्चा निकाल रही हैं। अब तू देखना ये शैतान टाइगर वहां जाएगा, उन औरतों की आवाज के साथ आवाज मिलाकर उन सब के लिए देवता बन जाएगा। देवता क्यों रे चोकरी, मेरे खिलाफ पुलिस भी मोर्चा लेके जा रही है? हाँ बहुत हो चुका, तुम्हारे गुंडों ने बस्ती को नरक बना के रख दिया, जवान लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं पुलिस में जाऊंगी और अगर मेरी सुनवाई वहाँ भी नहीं हुई तो मैं सीएम के पास जाऊंगी। देख नसीमा, लीडर बनना छोड़ दे, नहीं तो किसी कोटे पे रंडी बनाकर बिठाऊंगा, 5-5 रुपए में बिकेगी तू। मत भूल कि वो महान नारी जिसका नाम इंदिरा गांधी था, उसने हम औरतों के मन से डर नाम की चीज को निकाल फेंका है और चाकू रखना शुरू कर दिया है, और अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो चीर के रख दूंगी। छोड़, ए रुक जा, छोड़ मुझे। ए खालिद चूहे, साला दादा होकर हिजड़ों से भी बदतर काम करता है, एक कमजोर औरत पर हाथ उठाकर अपने आप को बहादुर साबित करना चाहता है। अबे लंगड़े, चलने के वास्ते थूकुत बैसाखी की मदद लेता है, तू इस चोकरी की क्या मदद करेगा? चल। एहसान मान औरत का एहसान मान, अगर औरत नहीं होती तो तेरा बाप तुझे पैदा करने के लिए क्या करता? नहीं यार, मुझे गुस्सा नहीं है, क्यों आएगा? तू सच बोला ना, आजकल सब ऐसे चलता है, तुझे पता है 60 साल का बुड्ढा भी 16 साल की चोकरी को मांगता? चल चोकरी। इसे ले जाने से पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। तो ठीक है, तो पहले तू ही मर। अबे ओ खालिद, ये पत्थर मैंने फेंका है, सीधी तरह घर चला या यहाँ से, वरना मैं ऐसी तोड़फोड़ करूंगा कि तेरे स्पेयर पार्ट तेरी गैंग वाले इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। अरे कसम माँ की, अगर मैं तेरे को नहीं मारा ना तो मैं समझूंगा कि मैं पैदाइश नहीं हुआ। आजा। ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? साहब, इसकी गुंडागर्दी ने हम बस्ती वालों का जीना हराम कर रखा है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं इसे देखता हूँ। अबे इंस्पेक्टर, मोहल्ले वालों की कंप्लेंट अच्छी तरह लिखना और इस भैंस के गले में पट्टा डालकर अंदर कर इसे। हाँ, मुझे सबक पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है वीर, जो मेरी समझ में आएगा मैं वही करूंगा। क्या? जो समझ में आएगा वो नहीं, जो कायदा कानून कहता है वही करना पड़ेगा, वरना ये जो ढंडा तू घुमा रहा है ना, इसे उल्टा भी घुमा सकता हूं मैं। बहुत बोलता है, अरे चुआ आओ मेरे साथ चलो।